हाय एवरीवन, दिस इज़ मी हबीबा शबीर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे लूप्स इन C++ और उसके टाइप्स। समटाइम ऐसा भी होता है कि एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा मरतबा एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। जिस सीक्वेंस से हम स्टेटमेंट को लिखेंगे, स्टेटमेंट इसी सीक्वेंस से चलेगी। जो नंबर फर्स्ट पे होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी और जो नंबर सेकेंड पे होगी वो सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट होगी। लूप्स में हम एक स्टेटमेंट को, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को काफ़ी दफ़ा एग्जीक्यूट करवा सकते हैं यूजिंग लूप। लूप की जनरल डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा काम जिसको आप बार बार कराना चाहते हैं, वो काम जो रिपीट हो रहा है, जिसमें हमने, जैसे कि हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना 10 टाइम, तो मैं क्या करूँगी कि बार बार एग्जीक्यूट करवाने के बजाय मैं लूप का यूज़ करूँगी। जो काम बार बार रिपीट हो रहा है तो हम वहाँ पे लूप का यूज़ कर सकते हैं। हम देखते हैं इसकी टाइप्स ऑफ लूप। 2 टाइप्स हैं, काउंटर कंट्रोल लूप एंड सेंटिनल कंट्रोल। काउंटर कंट्रोल लूप वो लूप होती है जिसमें नंबर ऑफ आइटरेशन का पता होता है हमें कि ये लूप्स 100 टाइम चलेगा या फिर 10 टाइम। सेंटिनल लूप का पता नहीं होता कि ये लूप कितने टाइम तक चलेगा, किसी स्पेसिफिक कंडीशन या किसी स्पेसिफिक वर्ड की बेस पर एंड करना होता है। इसमें टाइप्स हैं लूप की, लूप स्टेटमेंट की। इन C++ देर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप स्टेटमेंट, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। हम सबसे पहले वाइल लूप को देखते हैं। वाइल लूप क्या है? ये लूप की अंदर एक टाइप है। आज हम देखेंगे कि वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप को C++ में हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपने सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटेडली टाइम एग्जीक्यूट करवाना है तो इसके लिए हम कोई गिवन कंडीशन देंगे। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तो वो चलती रहेगी। ये वो लूप है जिसमें आपको पता नहीं होता है कि आपने कितनी दफ़ा आइटरेशन को चलाना है। जो भी यूज़र इसे वैल्यू देगा उसी अकॉर्डिंग हम इसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले वाइल, वाइल के बाद क्या है कंडीशन, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, और फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, फिर ब्रेसेस को एंड करते हैं। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो वाइल कंडीशन वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर वो फॉल्स है तो कंडीशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका एक प्रोग्राम, इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट में क्या है कि सबसे पहले कंडीशंस लगाए गए, अगर तो वो कंडीशन ट्रू है तो वो कोड ब्लॉक में आ जाएगा, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो वो लूप से बाहर आ जाएगा और एग्जिट हो जाएगा। अब हम इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडर लिखेंगे, उसके बाद इंट मेन, और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन। इसमें मैं एक इंटीजर वेरिएबल लेती हूँ, इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल ले रही हूँ एन। उसके बाद क्या आ जाएगा, सेमी कॉलन। उसको इनिशियलाइज करवा रही हूँ 1 के साथ, और फिर क्या आ जाएगा, सेमी कॉलन। आप कंडीशन लगाइए वाइल एन लेस देन इज इक्वल टू 5, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन, सी आउट, और इंसर्शन ऑपरेटर एंडर, उसके बाद क्या आ जाएगा, सेमी कॉलन, और फिर एन, एन में इंक्रीमेंट लगा देंगे और एट दिन सेमी कॉलन। फिर उसके बाद क्या है, रिटर्न 0 सेमी कॉलन, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम इसको रन करते हैं तो ये देखिए मेरे पास 1 to 5 जो है वो नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ये कैसे लूप चली है? सबसे पहले मैंने एक इंटीजर वेरिएबल, डाटा टाइप का वेरिएबल लिया था, उसको इनिशियलाइज करवा दिया 1 से। तो अब इसमें मैं कंडीशन चेक करूँगी, 1 की वैल्यू क्या है, 1 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है तो वो सी आउट में 1 डिस्प्ले कर देगा, फिर एंड में प्लस प्लस में वो इंक्रीमेंट करेगा, फिर अगेन कंडीशन में जाएगा, फिर चेक करेगा 2 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है तो वो सी आउट में 2 डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह वो फिर एन में जाएगा, एन में प्लस प्लस एक ऐड हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, 3 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन में चेक करेंगे तो वो अभी भी कंडीशन ट्रू है तो वो सी आउट में 4 3 डिस्प्ले कर देगा। फिर इंक्रीमेंट होगा तो इंक्रीमेंट होकर 4 हो आ जाएगा, और फिर वो कंडीशन में जाएगा तो 4 लेस देन इज इक्वल टू 5, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो वो सी आउट में 4 डिस्प्ले कर देगा। फिर इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन में जाएगा 5 5 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है तो वो सी आउट में 5 डिस्प्ले कर देगा। और ये थी हमारा वाइल कंडीशन। इसके बाद अगर हम लोगों ने इसका सम भी करवाना, जो हमारे पास स्टेटमेंट आई है उसका सम भी करना चाहते हैं, जैसा कि सम इज इक्वल टू सम प्लस एन,
ब्रैकेट के बाद वो क्या हो जाएगा, सी आउट। कंडीशन लगाई उसके बाद हम लिख देंगे सी आउट एन। फिर इधर हम करेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, उसके बाद सेमी कॉलर आ जाएगा और एन में इंक्रीमेंट होगा, ब्रैकेट क्लोज, द सम इज सम और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इधर भी ऊपर डिक्लेयर करना है सम, सम इज इक्वल टू ज़ीरो और इसके अंदर क्या आ जाएगा कॉमा, एन इज इक्वल टू वन एन लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसको रन करते हैं। अब ये देखिए जो मेरे पास वैल्यू आई है 1 2 3 4 5, क्योंकि मैंने जो कंडीशन लगाई थी वो 5 वैल्यू तक लगाई थी, उसने वो मुझे डिस्प्ले कर दी 5 वैल्यूज और इसके बाद मैंने सम का फंक्शन लगाया था तो सम उसने करके ये 1 + 2 + 3 + 4 + 4 + 5 इन सब को सम करके उसने मुझे सम की वैल्यू दे दी। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले हमने हेडर फाइल वही रहने दी है, इसमें इंट एन इंटीजर डाटा टाइप का एन वेरिएबल लिया है, कॉमा आई कॉमा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, हम इसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं 1। बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं कि एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें है इनपुट नंबर यूज़र से लेना और इसका फैक्टोरियल हम कोई जो भी नंबर देंगे, यूज़र जो भी नंबर देगा, फॉर एग्जांपल मैं 4 का नंबर देती हूँ तो उसका वो फैक्टोरियल फाइंड करके बाय यूजिंग व्हाइल लूप वो मुझे दे देगा। उसके बाद सी आउट करवाऊँगी, सी आउट एंटर नंबर, एंटर नंबर और सेमी कॉलन, इसके बाद सी इन एन आई इज इक्वल टू 1 करेंगे और उसके बाद कंडीशन लगा देंगे व्हाइल आई लेस देन इज इक्वल टू एन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीपल आई, उसके बाद सेमी कॉलन आ जाएगा और फिर क्या कर देंगे आई में इंक्रीमेंट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज आ जाएगी, उसके बाद सी आउट फैक्टोरियल इंसर्शन ऑपरेटर एन और फिर इंसर्शन ऑपरेटर इज और फैक्ट और फिर क्या आ जाएगा सेमी कॉलन, उसके बाद हम लिख देंगे ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको रन करते हैं और फिर हम इसकी आउटपुट समझेंगे। एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। वाइल कंडीशन फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीपल आई और आई में इंक्रीमेंट करते हैं कि उसके बाद सेमी कॉलन नहीं लिखा, तो आप रन करके देखते हैं इसको। अगर मैं 4 नंबर एंटर करती हूँ तो वो मुझे 4 का फैक्टोरियल दे देगा, ठीक है। ये कैसे आया इसको अब हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने इंटीजर डाटा टाइप लिया है एन और आई लिया कंडीशन के लिए और फैक्टोरियल को इनिशियलाइज करवा दिया 1। सबसे पहले सी आउट करवाऊँगे एंटर नंबर, जो भी नंबर मैं एंटर करूँगी उसी के अकॉर्डिंग वो कंडीशन लगा के वो मुझे फैक्टोरियल दे देगा उसका। अब मैंने 4 एंटर किया, आई इज़ इक्वल टू 1, अब इधर क्या है 1 लेस देन इज इक्वल टू 4 तो कंडीशन ट्रू है, तो वो क्या आ जाएगा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल में क्या है 1 मल्टीपल 1 तो क्या हो जाएगा वो फैक्टोरियल में एन की जगह 1 को डिस्प्ले कर देगा। फिर इंक्रीमेंट होके इधर जाएगा, फिर आई की वैल्यू क्या है इंक्रीमेंट होगा आई में 2 लेस देन इज इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू है, वो क्या करेगा फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है वैल्यू 1 को मल्टीपल कर देगा 2 से तो वो सी आउट में प्रिंट कर देगा। इसी तरह वो फिर आई में इंक्रीमेंट होगा 3 लेस देन इज इक्वल टू 4 तो वो फैक्टोरियल में जाएगा, फैक्टोरियल
मल्टीपल थ्री मल्टीपल थ्री थ्री मल्टीपल टू और वो इसमें डिस्प्ले से आउट में डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह ये लूप चलेगी। तो इस जो नंबर मैंने एंटर किया है, फोर नंबर एंटर किया तो उसने फोर का फैक्टोरियल मुझे 24 दे दिया। इस तरह ये फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम बाय यूजिंग व्हाइल लूप ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं C++ डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप क्या होती है ये हम देखते हैं C++ में। डू व्हाइल लूप में हम डू व्हाइल लूप के अंदर भी आप एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप का ऑलमोस्ट काम सेम ही है। लेकिन जब इसमें व्हाइल लूप में जब कंडीशन लगाते हैं तो इसमें कंडीशन पहले लगती है और लूप बाद में चलेगी। लेकिन इसमें क्या होता है इसमें कंडीशन बाद में मिलेगी जबकि व्हाइल लूप में कंडीशन पहले लगाते हैं। जब आपकी कंडीशन स्टार्ट में ही फॉल्स हो जाएगी तो एक दफ़ा लाजमी कंडीशन चलेगी। जबकि व्हाइल में अगर आपकी कंडीशन स्टार्ट में ही फॉल्स हो जाती है तो लूप एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम इसमें इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। डू डू के बाद क्या है कर्ली ब्रैकेट्स ओपन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट और फिर उसके बाद क्या है व्हाइल लूप लगी। हमने पहले व्हाइल लूप में ये पढ़ा था कि पहले व्हाइल लूप फिर उसके बाद कंडीशन लगती थी और फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था फिर डू लगाते थे। लेकिन इसमें पहले हम डू लगाएंगे फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट और फिर इसके बाद क्या है कंडीशन लगेगी। अब हम इसका एक प्रोग्राम कर लेते हैं। सबसे पहले इस पर हमने हेडर फाइल लिखा उसके बाद एक इंटीजर वेरिएबल लिया इंट एन और डू की कंडीशन लगाई उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज और सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर एन और फिर क्या है इंसर्शन ऑपरेटर एंडल। इसमें देखें डू पहले आ रहा है और वाइल की कंडीशन बाद में लगेगी और फिर इसमें इंक्रीमेंट कर देंगे और सेमी कॉलन ब्रैकेट क्लोज और बाद में हम क्या कंडीशन लगाएंगे अब वाइल एन लेस देन वन रिटर्न ज़ीरो उसके बाद सेमी कॉलन आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। आप इसको रन करके देखते हैं क्या आता आउटपुट में। वाइल के बाद सेमी कॉलन लगाया सेमी कॉलन लाजमी लगाएंगे हम उसको हम रन कर लेंगे। अब ये देखिए ज़ीरो है आउटपुट में क्या है ज़ीरो। देखें जब हमने ये कंडीशन लगाई डू व्हाइल लूप में इसमें पहले डू आएगा और फिर व्हाइल कंडीशन लगाएगी कि एन लेस देन वन। एन की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम अगर हम एन की वैल्यू वन लेते हैं तो वन लेस देन वन ये कंडीशन फॉल्स होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है लेकिन फिर भी वो एक दफ़ा लास्ट में एग्जीक्यूट होगी। अगर हम यही व्हाइल के साथ करते हैं तो वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती। तो इस तरह आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि व्हाइल और डू व्हाइल लूप में क्या है कि डू व्हाइल लूप में पहले डू लूप लगेगी और फिर उसके बाद कंडीशन लगेगी और एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होगा हमारा प्रोग्राम। लेकिन व्हाइल में अगर हमारा कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा एक दफ़ा भी। उसमें कंडीशन पहले लगती है और फिर डू लगता है। इसके बाद हम फॉर लूप देखते हैं। फॉर लूप अगर आपने किसी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को किसी खास नंबर तक रिपीटेडली रिपीट करवाना हो तो इसे हम क्या कहते हैं फॉर लूप्स। इस लूप को हम काउंटर कंट्रोल लूप भी कहते हैं जिसमें हमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशन का पता होता है कि हम इतने टाइम तक नंबर ऑफ़ आइट्रेशन